कलम दिया जय यीशु मसीह दी। मैं तुहाड़ी होस्ट गीतू पॉल तुहाड़ा सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाड़े अपने पसंदीदा प्रोग्राम दे विच जिसका नाम है गल्लां कलाम दियां। ते अज असीं आए हाँ सेंट मैरीज कैथीड्रल चर्च जलंधर डिनरी विखे। ये प्रोग्राम बहुत ही खास है, बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इस प्रोग्राम के द्वारा असी परमेश्वर के नाम नूं महिमा देवांगे, परमेश्वर के नाम की वडियाई करांगे अते परमेश्वर के जीवित कलाम के उपर गल्लां करांगे। सो सब तो पहला मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ जिसने सानू ये सुंदर मौका दिता कि अज असी इस पैरिश के बिच आ के इस प्रोग्राम नूं कर सकीए। सो असी जोरदार ताड़ियां दे नाल खुदा बाप का धन्यवाद करते हाँ। उस दे नाल ही मैं धन्यवाद करती हाँ कैंट पैरिश के पैरिश प्रीस्ट फादर थोमस कीपरत जी का, जिन्होंने सानू ये मौका दिता कि अज असी उन्हां दी पैरिश विच आ के इस प्रोग्राम नूं कर सके। सो असी जोरदार ताड़ियां दे नाल फादर जी का भी धन्यवाद करते हाँ अते नाल ही इस प्रोग्राम दे विच उन्हां दा स्वागत भी करते हाँ। उस दे नाल ही मैं स्वागत करती हाँ साडे इस पैरिश के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट फादर जोसफ जी का। सो असी जोरदार ताड़ियां दे नाल उन्हां दा भी स्वागत करते हाँ। उस दे नाल ही मैं स्वागत करती हाँ कैंट पैरिश की पूरी कलीसिया का। सो जोरदार ताड़ियां दे नाल तुहाडा भी इस जगह पर स्वागत है। जो साड़ी इस प्रोग्राम दे विच तीन एक्टिविटीज़ करवाइया जाणगियां, जो साड़ी पहली एक्टिविटी है उसका नाम है रीअरेंज द बिबलिकल नेम्स। ठीक है, तुहाड़ी कोल एक वाइट बोर्ड आएगा, अगे वाइट बोर्ड के उपर एक करैक्टर का नाम लिखा होएगा, एक नाम लिखा होएगा, वो जो नाम होएगा बाइबल दे विचो ही होएगा, यानी कि साड़ी बाइबल दे फेमस करैक्टर ने। तुसी की करना है वो जो नाम होएगा वो ठीक तरीके दे नाल नहीं लिखा होएगा, मतलब उसके जो अल्फाबैट्स हैं जो उसके अक्षर हैं वो अगे पिछे लिखे होंगे। तुसी की करना है उसनू सही करके पूरा नाम तरीके दे नाल लिखना है। ठीक है, समझ आ गई एक्टिविटी। हाँ जी, कौन आएगा पहला पहली एक्टिविटी वास्ते? हाँ जी, मैं नाम लिखता, जिन्हों भी समझ आता तुसी की करना हाथ खड़ा करना अते अगे आ जाना, किसी ने भी नाम बोलना नहीं है। ठीक है, अगे आके लिखना। हाँ जी सर, आ जाओ। सही लिखा तुसी, बिल्कुल थोड़ा जिहा क्लीयर कर दो। हाँ जी, जोरदार ताड़ियां ना वास्ते, बहुत वधिया थोमस। ठीक है ना, की नाम सीगा?
सो जिसने भी सही तरीके दे नाल जवाब दिते अते इस एक्टिविटीज विच पार्टिसिपेट किया उसनों प्रार्थना भवन टीवी वालों एक एक पेन दिता जाऊगा। सो मैं बेनती करती हाँ फादर जी अगे कि प्लीज़ इन्हों पेन दे के इन्हों सम्मानित किया जाए। सो जोरदार ताड़िया सर वास्ते। हाँ जी हुण असी नैक्सट नाम लिखांगे, तुसी सारिया ने ध्यान दे नाल देखना है, ठीक है। इधर वाले नूं पता चल गया, हाँ जी ठीक है। देखो उन्होंने किन्ना फास्ट फास्ट लिखा, जोरदार ताड़ियां ना वास्ते। हाँ जी मैम तुसी अपना इनाम ले लो। जकरिया की सीगा नाम, जकरिया। हाँ जी हुण असी नैक्सट लिखांगे। हाँ जी देखो किनू समझ आती। हाँ जी आज ठीक है क्लिसिया। हाँ जी इज़ेकेल, इज़ेकेल नबी, ठीक है। जोरदार ताड़ियां ना वास्ते। सो तुसी अपना इनाम ले लो फादर जी को लो। हाँ जी देखो किसनों समझ आया, जोरदार ताड़ियां, बच्चा उठ के आया। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा, जोरदार ताड़ियां, तुसी अपना इनाम ले लो। सो असी हुण अपनी नैक्सट एक्टिविटी वल जावांगे, ठीक है। जो साड़ी सैकेंड एक्टिविटी है उस दे विचों तुहानू सवाल जवाब पूछे जाणगे जिसका नाम है टेस्ट द कंसंट्रेशन ऑन द रीडिंग्स। सो मेरा जो पहला सवाल है वो इस तरह है, इसराइलियां नू मिस्र तो कूच किते हुए किन्ने महीने हो गए सी। जिसनों भी आंसर आता है उसने की करना है, हाथ खड़ा करना है। जो थोड़े को माइक आएगा तुसी माइक विच ही आंसर बोलना है, ठीक है। किसी ने भी इस तरह आंसर नहीं बोलना एकदम। हाँ जी मैम तुसी खड़े हो जाओ। मैम 3 महीने। हाँ जी जोरदार ताड़ियाँ, 3 महीने बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे ने ध्यान ना सुनना। डैश के खंभा ते चुक के अपने कोल लिया। हाँ जी मैम तुसी खड़े हो जाओ। मैम उकाब दे खंबा ते। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, उकाब दे खंबा ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला पाठ केड़ी पुस्तक तो लिया गया सी, आयत समेत दसो। सारे ध्यान ना सुने मतलब। कर लो नीचे, उधर माइक चल गया। कूच दा ग्रंथ ओदा 19:2-6 आयत। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताड़ियां। कूच दा ग्रंथ 19:2-6 आए, तुसी अपना इनाम ले लो फादर जी को लो। नेक्स्ट जो सवाल है वो इस तरह है, मसीह किना ले मरे सी। पापियां वास्ते। पापियां ली तो ठीक है, लेकिन आज की रीडिंग विच कोई होर शब्द लिखा हुआ, कोई खास वर्ड आ वो बोलना तुसी। हाँ जी खड़े हो जाओ सर, तुसी बैठो। बेतरमिया ले। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, बेतरमिया ले। जोरदार ताड़ियां, तुसी इनाम ले लो अपना फादर जी को लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असी किस दे लहू नाल मुक्त कीते गए सा। प्रभु यीशु मसीह दे लहू नाल। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, प्रभु यीशु मसीह दे लहू नाल, तुसी अपना इनाम ले लो। नेक्स्ट सवाल है, संत मती दी अंजील 10:6 विच प्रभु यीशु चेलियां नू किना कोल जाण लई कहिंदा है। हाँ जी कोई होर। हाँ जी मैम तुसी खड़े हो जाओ। इसराइलियों को। वो तो ठीक है, लेकिन एक खास शब्द बोलिया गया है उत्थे। हाँ जी मैम तुसी सही बोलते पे हो, लेकिन इक्को ही वर्ड बोलना, इक्को ही जो खास वर्ड उत्थे लिखा गया, प्रभु येसु ने उन्होंने वास्ते एक खास वर्ड यूज किया वो बोलना। तुसी बैठो। गुआचिया भेडा को। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, गुआचिया भेडा को जाने लिया। जोरदार ताड़ियाँ, तुसी अपना इनाम ले लो फादर जी को लो।
नैक्सट जो सवाल है ध्यान ना सुनना सारिया ने, संत मती दी अंजील 9:37 विच की लिखा है? संत मती दी अंजील 9:37 विच। हाँ जी मैम खड़े हो जाओ। तुसी अपने मालक नू जाके दसो कि फसल तो बहुत है पर वाडे बहुत घट हैं। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, फसल तो बहुत है पर मजदूर बहुत थोड़े हैं। बिल्कुल उन्होंने सही बोलिया। तुसी इनाम ले लो मैम अपना फादर जी को, जोरदार ताड़ियां ना वास्ते। हाँ जी जो साड़ी थर्ड एक्टिविटी है वो है गैस द बाइबल करैक्टर। की है नाम उसका? जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो इस तरह है, तुहानू एक बाइबल का करैक्टर दसिया जाऊगा कान दे विच, ठीक है? तुसी की करना है जेड़ा भी एक जना अगे आऊगा उसके कान च मैं एक बाइबल का करैक्टर दसांगी, वो फेमस करैक्टर ही होगा, ठीक है? तुसी कलीसिया ने की करना है, उन्होंने आके तुहानू एक्ट करके दसूगे, ठीक है? तुसी की करना है ध्यान ना देख के उसनू गैस करना है, ठीक है? तो जिसने मतलब कि जिन्हें एक्टिंग करनी है उसनू भी इनाम है अते जिसने गैस किया उसनू भी इनाम है। जो एक्ट करके दिखाऊगा उसनू प्रार्थना भवन टीवी वालों एक कप दिता जाऊगा, ठीक है? और जिसने गैस कर लिया उसनू पेन, ठीक है? एक्टिविटी समझ आ गई है ना? तो फिर आ जाओ। कौन है रेडी? हाथ खड़े कर लो। आ जाओ मैम। हाँ जी मैं उन्होंने करैक्टर दस दिता है, ये हूँ तुम एक्टिंग करके दिखाओगे, मतलब बाइबल चो जो भी वो करैक्टर के बारे स्टोरी होगी वो स्टोरी तुम एक्टिंग दे राही एक्सप्लेन करोगे, तुसी ध्यान ना देखना ते गैस करना, ठीक है? जिसनू पता लगता है हाथ खड़ा करना है अते माइक ऑन ते आंसर बोलना। हाँ जी, हाँ जी मैम। सावरी औरत? नहीं मैम। कोई होर? हाँ जी सर। सांबरी औरत खूह चो पानी कर रही? नहीं सर सॉरी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा से कि मैं प्यासा हाँ मैनु पानी पिलाओ? नहीं नहीं मैम। हाँ जी रिबेका? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, रिबेका। रिबेका ने ऊंठा नू पानी पिलाया सी ना? हाँ जी वो ही करैक्टर करके दिखा रहे सी। आ जाओ मैम तुसी अगे, जोरदार ताड़ियां इन्हां वास्ते, वधिया तरीके ने उन्होंने समझ लिया। हुण जिन्होंने गैस करवाया अते कीता दोनों वास्ते इनाम आ, जिन्होंने एक्ट किया उन्होंने प्रार्थना भवन टीवी वालों कप दिता जाऊगा अते जिन्होंने गैस किया उन्होंने पेन। सो जोरदार ताड़ियां इन्हां वास्ते। नैक्सट कौन आऊगा? हाँ जी देखो सारे ध्यान ना, जिसनू भी पता लगता उसने हाथ खड़ा करके बोलना, एक्साइटेड होके आंसर नहीं देना। डैनियल? हाँ जी बिल्कुल सही जवाब। की दिखा रहे सी वो? हाँ जी डैनियल नबी नू शेरा दी मान विच सुटता सी ना, ते ओही वो दिखा रहे सीगे, पर परमेश्वर ने डैनियल नबी नू कुछ भी होन नहीं सी दिता, क्योंकि डैनियल नबी की करता सी सिर्फ परमेश्वर दे अगे सिर झुकांदा सी अते ओ किन्नी वारी प्रार्थना करता सी दिन च परमेश्वर दा धन्नवाद करन लई ओ 3 बार जांदा सी। सो सानू भी यही करना चाहिदा कि परमेश्वर दा धन्नवाद हर एक चीज़ वास्ते करना चाहिदा। सो जोरदार ताड़ियां इन्हां वास्ते। हुण कौन आएगा नैक्सट? हाँ जी जे तुसी किसी की हेल्प लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हाँ
हाँ जी सारे ध्यान दो, ध्यान ना देखो, नज़र नहीं आ रहा सर, तुसी खड़े हो के एक्ट करो। देखो ध्यान दे नाल देखो सारे, हाँ जी काफ़ी हाथ खड़े हो गए आ। हाँ जी मैम तुसी खड़े हो जाओ। योना नबी। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, योना नबी। बहुत वधिया कीता ना उन्होंने, किन्ने एफर्ट्स लगाए सी उन्होंने, है ना। जोरदार ताड़िया उन्होंने वास्ते, बहुत वधिया कीता। योना नबी वो मछली बन के दिखा रहे सी, योना नबी मछली दे पेट सीगा ना, तीन दिन तीन रात बस वही एक्ट करते पे सी। नैक्सट कौन आएगा, लास्ट रह गया। हाँ जी मैम आ जाओ। देखो ध्यान दे नाल, तुसी पहला बोल चुके हो ना, कोई होर? हाँ जी पीछे देखो सर, हाथ खड़े हुंदे पे। मां मरियम जदों सरां दे विच जगह लब्भन लई गए। नहीं नहीं मैम, कोई होर करैक्टर है ये, कोई होर? हाँ जी तुसी बोल चुके पहला। हाँ जी संत पतरस। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, बच्चे ने सही पहचानिया संत पतरस। संत पतरस ने वो की करके दिखाते भी सो, तुहानू तीन इशारा दिखा रहे थे ते इस तरह करके इनकार। संत पतरस ने तीन बार इनकार किया से ना प्रभु यीशु दा, वो उही एक्ट करते पे से। सो जोरदार ताड़ियां ना दोनों वास्ते, तुसी अपना इनाम लै लो फादर जी कोलों। सो एक लास्ट सवाल रह गया, क्योंकि फादर थोमस जी ने स्टार्टिंग से तुहानू बहुत वधिया तरीके ने एक्सप्लेन किया सी, जदों हले पाकमास रोजरी शुरू नहीं सी हुई, बारह चेलियां दे नाम किते सी ना एक्सप्लेन, किनू आंदे आ? हाँ जी जिसने पहला आंसर नहीं दिता, जिसने पहला नहीं आंसर दिता। हाँ जी मैम तुसी खड़े हो जाओ, अगे आ जाओ मैम तुसी, जोरदार ताड़ियां इन्हां वास्ते। तुसी नाम बोलने हैं बारह रसूलों के हौली हौली, ठीक है मैं काउंट करांगी। पतरस। हाँ जी एक, दो, तीन, योहन्ना, चार, फिलिपस, पाँच, छे, छे, हाँ जी सात, शिमाउन कुरीनी नहीं सी मैम, छे तुसी सही बोले। हाँ मैम शिमोन कुरीनी नहीं सीगा, मैम तुसी फिर गलत बोलते पे, कोई होर? तुसी अद्धे सही बोले, जोरदार ताड़ियां ना वास्ते। हाँ जी आ जाओ। पतरस। एक, अंद्रियास, दो, यूहन्ना, हाँ जी तीन, फिलिप, चार, बर्थोलोमियो, पांच, थोमा, छः, मती, सात, शिमोन किनानी, हाँ जी अठ, थेदूस, हाँ जी थेदूस, थेदियोस, हाँ जी नौ, हाँ जी दस, दो रह गए, बारह किदा हो गए। यकूब तो तुसी एक्सप्लेन ही नहीं किते, दो यकूब सी वो एक्सप्लेन करने, दस बोलते तुसी, दो दे विच यकूब सीगे वो एक्सप्लेन करने, यकूब केड़े सीगे दो, क्योंकि वो फादर जी ने बहुत वधिया तरीके ने एक्सप्लेन किया। दो बोल दो, इनाम ले लो, नहीं तो इनाम नहीं बोल मिलना। जिन्हें हुण दोबारा उन्हें बारह बोलने दोबारा आके। हलफई का पुत्र। हाँ जी एक सी हलफई का पुत्र यकूब, ठीक है ग्यारह हो गए, एक रह गया बस एक। जब्दी का पुत्र। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताड़ियाँ, जब्दी का पुत्र। सो तुसी अपना इनाम लै लो, बहुत वधिया उन्होंने कोशिश करके बड़े वधिया तरीके नाल बोलिया, एक बार फिर तो जोरदार ताड़ियाँ बच्चे लिए। सो मैं हुण बेनती करदी हाँ साडे फादर जोसफ जी अगे कि वो प्लीज़ अगे आन ते साडे नाल प्यार भरे दो शब्द सांझे करन। सो असीं जोरदार ताड़ियां दे नाल फादर जी का स्वागत करते हाँ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕਵਿਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸਲ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਆਇਰ ਮੈਂਬਰਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਇਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਥੋਮਸ ਕਿਪਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਿਸਟ ਫਾਦਰ ਜੋਸਫ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਰਸ ਐਮ ਜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ, ਮਰੀਅਮ ਸੈਨਾ, ਯੂਥ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਡਿਸ਼ ਦੇ 675 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤੂ ਪੌਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਓਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ।